जैसा कि इसमें तीन स्विच हैं, एक दो तीन। पहला स्विच जो हमारा कूलिंग का और हीटिंग का है, ये निशान ब्लू वाला कूलिंग का, ये वाला हीटिंग का। अगर हम इसको इधर को करेंगे तो कूलिंग हवा देगा, कूल हवा देगा, इधर को करेंगे तो नॉर्मल देगा, इधर को करेंगे तो गर्म हवा देगा, क्योंकि हीटिंग का है। सेकंड है हमारा फ़ैन स्पीड कंट्रोल करने का। अगर हम इसको एक पे करेंगे तो फैन चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड करेंगे थोड़ा और तेज़, थर्ड पे और तेज़, चौथ फोर्थ पे और तेज़, जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे होंगे। जब हमें फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे घरों में पंखे में रेगुलेटर लगा रहता है, ये उसी टाइप का काम करता है। तीसरा स्विच है हमारा एयर को डायरेक्शन देने का है। जैसे इसमें एरो दिख रहा है कि ये इधर को से एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है जो इस फैन की जो एयर की एयर आएगी आगे से, तो ये इनमें से आएगी, फ्रंट में से। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं, एक दो तीन और ये चार। सेकंड है हमारा, एक तो सेकंड एरो का ये मतलब है कि एक तो फ्रंट से आ रही है हवा और एक पैरों में आएगी। पैरों के लिए ये नीचे से आएगी, ये देखिए, ये इसका नोज। थर्ड है आपका, हम इसको इधर को करेंगे तो ये खाली पैरों पैरों में आएगी, जैसे कि आप, मैंने आपको दिखा दिया था। फोर्थ है आपका ये, इसमें पैरों में भी आएगी और सामने विंड पे विंडशील्ड के वहाँ से भी आएगी, ये देखिए। फिफ्थ है आपका खाली विंडशील्ड के लिए, ये खाली विंडशील्ड के लिए। ये मेनली तब यूज़ होते हैं जब फॉग फॉग का टाइम हो, ठंड का टाइम हो, फॉग में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसमें ये लिखा है यूज विद ये दिस साइन, ये साइन है आपका इधर पे। और ये है हमारा एयर इनटेक, एयर सर्कुलेशन का स्विच। इससे हम जैसे ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर की हवा को सर्कुलेट कर रहा है, और अगर हम इसको इधर को कर देंगे तो ये फ्रेश एयर अंदर से को बाहर से अंदर को ले रहा है। ये हमारा जैसे कहीं लॉन्ग टाइम लॉन्ग रूट पे जा रहे हो हम अभी कहीं, तो अगर हमको एकदम से घुटन सी महसूस हुए तो ये कर इसको अगर इधर को करेंगे तो फ्रेश एयर अंदर को आ जाती है, तो थोड़ा सही रहता है। एक बटन है हमारा एसी का, अगर हम इसको दबा दें और इसको हम इधर को करेंगे तो एसी चालू हो जाएगा। और कभी भी हीटर और इस हीटर को एसी के साथ ऑन ना करें। और एक मिथ और है कि जैसे जितनी हम फैन की स्पीड बढ़ाएंगे कि उतना पेट्रोल कंज्यूम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर तो आपका जब आप एक पे भी करोगे तब भी चलेगा, दो पे करोगे तब भी चलेगा, ये नॉर्मल सी बात है। इसमें पेट्रोल उतना ही लगेगा, चाहे आप स्पीड 3 पे रखो या 2 पे रखो या 4 पे रखो या 1 पे रखो। ठीक, थैंक यू गाइस।